राज्य सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नामांकन लेने के बाद सीट छोड़ने के लिए जुर्माने की राशि में भारी भरकम वृद्धि की है। स्वास्थ्य विभाग ने नामांकन के बाद सीट छोड़ने के लिए 20 से लेकर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा है। इसके बाद भी कई छात्र छात्राएं जुर्माने की राशि भरकर सीट छोड़ रहे हैं। रिम्स डेंटल कॉलेज में BDS बैच 2018 में एडमिशन लेने वाले उज्जवल सिंह ने सीट छोड़ दिया। 21 दिसंबर 2020 को उन्होंने 20 लाख रुपए जुर्माना के रूप में रिम्स में जमा किया। इसी तरह राज्य के मेडिकल कॉलेजों से PG पास करने के बाद राज्य में एक साल के अनिवार्य सेवा का नियम है। अनिवार्य सेवा नहीं करने वालों के लिए 15 लाख जुर्माना रखा गया है। रिम्स से ही वर्ष 2017 से 20 में PG कोर्स करने वाली डॉक्टर मेघा बंसल ने एक साल अनिवार्य सेवा शर्त को मानने में असमर्थता जताकर 15 लाख जुर्माने के रूप में दिया। भारी भरकम जुर्माने के बाद भी सीट छोड़ने की स्थिति में अब स्वास्थ्य विभाग इस नियम को और कड़ा कर सकती है। राज्य में वर्ष 2018 में जुर्माने की राशि में वृद्धि हो गई थी। इसके मुताबिक झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बॉन्ड देना होगा। इसमें उल्लेख था कि एडमिशन के बाद कॉलेज छोड़ने पर MBBS के लिए 20 लाख और PG के लिए 30 लाख एक मुश्त वापस करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक ऑल इंडिया और राज्य कोटा के छात्रों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार होती है। छात्र अलग अलग राज्यों में शुल्क जमा करवाकर सीट आवंटित करवा लेते हैं। इसके बाद पसंद का कॉलेज मिलने के बाद सीट छोड़ देते हैं।